वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दीपशिखा'स म्यूजिक। आज हम एक ऐसा यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि संगीत के स्कॉलर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित होगा। जी हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोट मा। जी हाँ, मध्यम स्वर यानी जो कि सप्तक में चौथा स्वर है, सा रे गा मा। आज हम मध्यम स्वर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्तक के जो सात स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और जब हम इसमें हायर सा इंक्लूड करेंगे यानी तार सप्तक का जो सा हम इसमें गाएंगे तो सप्तक अष्टक बन जाएगा, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो मा स्वर है इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो इसे अध्वदर्शक स्वर बोला गया है, यानी कि जो सप्तक को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी जो पहला पार्ट है सा रे गा मा और दूसरा पार्ट हो जाएगा प ध नि सा। इसीलिए सप्तक के पहले पार्ट को हम बोलते हैं पूर्व पार्ट यानी कि पूर्वांग, और सप्तक का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरांग, जिसमें स्वर आते हैं प ध नि सा। इसलिए मा स्वर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन रागों के लिए जिनमें की मास्वर लगता है, और स्पेशली उन रागों के लिए जिसमें की मध्यम वादी होता है, वादी यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ अ राग। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि मास्वर का किसी भी राग के समय निर्धारण में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिन और रात के जो 24 घंटे होते हैं उन्हें अगर हम 12-12 घंटे के बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक का पार्ट है उसे सर्वसम्मति से पूर्वार्ध बोला गया है, और जो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का टाइम है उसे उत्तरार्ध बोलते हैं। अब 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक जो राग गाए और बजाए जाते हैं उनमें तीव्र मा यानी कि शुद्ध मा का जस्ट एक ऊपर का नोट तीव्र मा, उसकी प्रधानता होती है। और 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक जो राग गाए जाते हैं उनमें शुद्ध मा की प्रधानता होती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मॉर्निंग रागास होते हैं उनमें मोस्टली मा आपको शुद्ध मिलेगा, और जो इवनिंग रागास होते हैं जैसे कि कल्याण है, बिहार है, इसमें मोस्टली आपको तीव्र मध्यम मिलेगा। अगर मॉर्निंग के रागास में देखें हम भैरव बहार तो इसमें शुद्ध मध्यम की प्रधानता होती है। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए किसी भी राग का गायन समय नहीं पता है तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर उसमें मध्यम शुद्ध लग रहा है तो वो मॉर्निंग रागा है, और अगर उसमें मध्यम तीव्र लग रहा है तो वह इवनिंग रागा है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, संगीत में अपवाद भी होता है यानी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट राग के समय की चर्चा हम आगे के सेशंस में करेंगे कि कैसे कैसे ये रिफाइन होता जाता है राग में लगने वाले स्वरों की जो स्थिति है उसके हिसाब से। तो यू ऑलवेज रिमेम्बर दैट मा नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रागा। इवन कई ऐसे राग है जिसमें मध्यम स्वर नहीं लगता है लेकिन उनके वादी संवादी से हम उनके गायन समय का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दीपशिखा'स म्यूजिक के इस सेशन में थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि यू कैन फाइंड माय कोर्सेज ऑन यूडेमी, टीचेबल, स्किलशेयर एक्सेट्रा टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर डिटेल्ड कोर्स स्टडी you can also go through my website www.deepshikhamusic.com. you can find the link in the description box below. thanks friends, thanks for being with me. milte hain jaldi ek aur refreshing session mein, tab tak ke liye namaskar.